तो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास टेंथ के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 28 नवंबर 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलता है, तो देख लो क्वेश्चन को और साथ में सॉल्यूशन को। ओके, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर्स स्टक एट ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर्स इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। एक दवाई का कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों किनारों पर अर्धगोले हैं। कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है और अर्धगोले का व्यास 5 mm है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्री बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो टोटल ये 14 mm है, ठीक है, और ये टोटल व्यास हुआ, ये भी सेम होगा 5 है, तो यहाँ पर आधा बता रहे हैं, आधा 5/2 यानी 5/2, मतलब कि 2.5 है, ये ध्यान में रखना, रेडियस r हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, तो ध्यान से देखो, डायग्राम समझ गए। सबसे पहले बेलन की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि टोटल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब ये इतना 5 है तो आधा इसकी त्रिज्या आधी होगी, ध्यान से देखो, अर्धगोले की ये आधी होगी, तो 5/2 मतलब कि 2.5 हो गया, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये 2.5 इधर भी है, 2.5 इधर भी है, दोनों तरफ 2.5 है, 2.5, ठीक है। तो बेलन की लंबाई निकाल लेंगे, यानी लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना, 14, और दोनों तरफ 2.5, ये भी है 2.5, ये भी है, प्लस करके 14 में से घटाएंगे तो बीच का इतना बेलन हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर से देख लो, ये बीच का बेलन है, हमें इसकी लंबाई चाहिए, लंबाई मतलब ऊंचाई हो जाएगी, तो दोनों तरफ 2.5 ये है, 2.5 ये है, ठीक है ना, व्यास के हिसाब से त्रिज्या आधी होगी, तो गोले में त्रिज्या ही उसकी ऊँचाई होती है, तो 2.5 जोड़ के 14 में से घटाएंगे, ठीक है। आगे देखो, तो बेलन की लंबाई यानी ऊंचाई आ गई 9, ठीक है, 14, और ये हो जाएगा 2.5 5, 14 में से 5 घटाओ 9 आ जाएगा, तो ये टोटल व्यास है, हमें जो दोनों तरफ अर्धगोले बन रहे हैं उसकी त्रिज्या चाहिए, तो r त्रिज्या, r बराबर d/2 यानी कि व्यास बटे दो, d क्या होता है, व्यास बटे दो, तो 5/2, व्यास 5 है, 5/2, 2.5 आ गया ये भी, ठीक है। अब समझो ध्यान से, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है पूरे का, तो इसमें एक बेलन है और दो अर्धगोले हैं, दोनों तरफ अर्धगोले हैं, दो हैं, और एक तरफ बीच में क्या मिल रहा है हमको, बेलन, ठीक है। तो हिंदी में लिखना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। इसी प्रकार इंग्लिश वाले लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल CSA ऑफ सिलेंडर प्लस टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ध्यान रखना, दो अर्धगोले हैं और एक सिलेंडर यानी बेलन है, तो दो अर्धगोले हैं, ये दोनों तरफ अर्धगोले हैं और बीच में बेलन है, टोटल इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जोड़ना है, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला 2πRh 2/2, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πR² होता है, तो 2πR कॉमन कर लिया, इसमें से h बचा, इसमें से 2πR² है, तो 2πR निकल जाएगा, तो 1R बचेगा और आगे 2 है, 2R हो जाएगा, यानी 2R आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2/2 पाई का मान 22/7, R पर 2.5, ठीक है, ब्रैकेट में h 9 है, 2 गुणे आर 2.5, सोल्व करो, तो 2 22/7 2.5 सेम लिखा गया,
2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14। 7 से कट करो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, बचा क्या 2 22, 2.5 और 2, यहाँ 2 आ गया, नीचे 7 कट चुका है, ठीक है, गुणा कर लो आ जाएगा 220 mm², ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी की लाइन, इंग्लिश वाले इंग्लिश की लाइन लिखेंगे, ठीक है, टोटल इतना ही था, कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।